तो आज हम सीखने वाले हैं आपकी रिक्वेस्ट पर औ गड्डियां उच्चियां रखियां। तो बहुत ही आसान है, इसको प्ले करना, झटपट सीख जाएंगे। विक्की कौशल ने बहुत ही शानदार डांस किया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीखो सरल। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम सीखेंगे हायर ऑक्टव के सी नोट से। तो पहली लाइन है ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां, जो कि सिर्फ तीन नोट पर प्ले होगी, सी, सी शार्प और सी। देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं। थोड़ा तेजी के साथ करना है। अब इसको एक बार धीरे धीरे समझ लेते हैं। ओ गड्डियां, इसके बाद ऊंचियां, इसके बाद रखियां। कितना इजी था, हमने तीनों शब्द में एक ही चीज करी। सबसे पहले ओ, फिर गड्डियां के लिए सी, सी शार्प सी, और यही चीज हमें ऊंचियां के लिए भी, और यही चीज हमें रखियां के लिए भी। ठीक, तो कंप्लीट हो गया आपकी लाइन, ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां। ठीक, बस लाइन को आपको थोड़ा स्पीड में करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक, तो पहले आप इसको धीरे धीरे बजाकर सेट कर लीजिए अपनी फिंगर को, उसके बाद फिर इसको स्पीड में लाइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर वाकई पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं और लगता है कि हाँ, मेहनत सफल हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अब अगली लाइन है और नारा बहुत जटे थे पीछियाँ। लाइन में कुछ शब्द अगर मैं गलत बोल दूँ तो माफ़ करना, क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत ख़राब है। तो इस लाइन को भी हम डिट्टो वैसे ही प्ले करेंगे जो हमने अभी इससे पहले वाली सीखी थी, सेम ऐसे ही है। देखिए कोई अंतर नहीं है। तो इस लाइन के लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, वही की वही आपको कॉपी कर देना है, तो आपकी ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। सेम वही चीज़ है। अब नेक्स्ट लाइन है परतु मैनू बाली जज दी। ये लाइन बड़ी प्यारी है। तो ये लाइन भी प्ले सी नोट से ही होगी, मगर ये लाइन अब हम मिडिल ऑक्टेव के अंदर ले जाएंगे। देखिए लाइन बहुत अच्छी है ये। देखिए पर तू मैनू, अब बाली जच दी, जच दी में थोड़ा खींचा है लास्ट में। ठीक है, मात्रा को थोड़ा लास्ट में खींचा है तो इस तरह से। अब इस लाइन को भी एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देख लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसके बाद लाइन है ओ लखते गुची द बेल्ट तू पाया। ये स्टार्ट हम करेंगे ए शार्प से। ये चीज क्या किया, अब आराम आराम से देखिए। ओ लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया। ठीक है, लक ते गुची दा बेल्ट तू पाया। और इसके बाद लाइन है जटा ने कुर्ता नवा सिवाया। तो ये लाइन भी ऐसी प्ले करेंगे, देखिए सेम वैसे ही है। तो ये लाइन भी सेम वही है, ओ लग दे गुची दा बेल्ट तू पाया, दोनों एक ही जैसी हैं। अब इसके तुरंत बाद बिना कोई गैप के लाइन आएगी, वे अलग ही टॉर होंदी सड्डी। और शुरू कहां से होगी, ए शार्प से। देखिए वे अलग ही टॉर होंदी सड्डी। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन रिपीट होती है, अलग ही टॉर होंदी सड्डी। अब इसके बाद लाइन तो सेम है, बोल सेम है लाइन के, मगर नोटेशन चेंज हो गए, सिर्फ दो नोट पर, जी और एफ पर। देखिए अलग ही टॉर होंदी सड्डी। तो बस इस वीडियो में हमें उतना ही पार्ट सीखना था जितना कि वायरल है। तो सीखिए इसे, एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कितनी जल्दी सीखा। और थैंक यू दोस्तों, सीखो सरल के नए चैनल सीखो सरल हारमोनियम और सीखो सरल शॉर्ट्स को आपका बहुत प्यार मिल रहा है। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हर वीडियो की तरह मेरा ये वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई गाना या कोई धुन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे या सीखो सरल के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।